हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं, सर्कुलर काइनेमेटिक्स। मैंने आपको वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स सिखा दिया, फिर टू डायमेंशनल भी बताया प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपको समझाया कि जैसे टू डायमेंशनल है वैसा ही थ्री डायमेंशनल भी हो जाएगा। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन के दो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने कर लिया है, एक एग्जाम्पल और है सर्कुलर मोशन। तो आज हम सर्कुलर मोशन, सर्कुलर काइनेमेटिक्स पर बात करेंगे। सर्कुलर मोशन पर दो तरह की बातें होती हैं, एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब फोर्स एनालिसिस, वो न्यूटन वाले चैप्टर में बात करेंगे। तब तक ये जो चीजें हैं ये थोड़ी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी और पक जाएंगी। ठीक है जी, सर्कुलर मोशन इन जनरल एक टफ मोशन है और एक एवरेज बच्चे को सर्कुलर मोशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है जी, तो आप बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा बातें नहीं है, पर एक गो में ही सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना। तो वी आर लुकिंग एट सर्कुलर मोशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, और जो मैंने आपको बात बताई थी पहले कि एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल करके दो कंपोनेंट होते हैं, उनको मैं आज प्रूफ करूंगा, उनको समझाऊंगा कि किस तरीके से वो हैं। तो बहुत हम फंडामेंटल और बेसिक बात कर रहे हैं, दो बात हम सर्कुलर मोशन पर कर रहे हैं, फिर मैं उसको जनरलाइज करके एक जनरल कर्व्ड मोशन पर भी ले आऊंगा। तो बहुत सीरियस होकर बहुत ध्यान से आपने आज के लेक्चर को देखना है, नहीं तो आपकी जो गाड़ी है वो छूट जाएगी। तो हम एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की क्या खास बात है? सर्कुलर मोशन की खास बात है कि जिस ट्रेजेक्ट्री पर पार्टिकल चलेगा उसका डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सेंटर कहलाएगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये कोई सर्किल है जिस सर्किल पर पार्टिकल चल रहा है, ये है सर्किल का सेंटर, ये है सर्किल का सेंटर ऐसा, और पार्टिकल इस सर्किल पर घूम रहा है ना। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा जी, अब अगर अपन एक काम करें कि मान लेते हैं इस डायरेक्शन को मैं बोल दूं एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को मैं बोल दूं वाई एक्सिस, है ना, इसको मैं बोल दूं एक्स एक्सिस और उसको मैं बोल दूं वाई एक्सिस, और किसी टी टाइम पर, किसी टी समय पर मान लेते हैं पार्टिकल की ये पोजीशन है, और पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ऐसे ये होगा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, और पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है ये होगा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर। और मान लेते हैं कि इस मोमेंट पर एक्स एक्सिस से जो एंगल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल है पी, जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। ठीक, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर आर को लिखना चाहूं, है ना, आई जे के में पोजीशन वेक्टर आर को लिखना चाहूं, तो जरा लिखो पोजीशन वेक्टर आर को क्या लिखोगे आप? तो यू विल राइट आर एस, बोलो कितना, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वुड बी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आर को कॉमन ले लेते हैं, सही है, सही है, ये पोजीशन वेक्टर है ना। हम जानते हैं वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, v इज डी आर बाई डी टी। वी एज अ वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, सब वेक्टर वेक्टर चलेगा, बहुत ध्यान से समझना, v एज अ वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, v इज डी आर बाई डी टी। तो जरा इसको डिफरेंशिएट कर दें, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो r जो कि पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है कॉन्स्टेंट रहेगा, और आई कैप जे कैप जो कि स्टैंडर्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स है वो भी कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो वेरिएबल के नाम पर कौन है, केवल थीटा। देखो ध्यान से, जैसे जैसे पार्टिकल सर्किल पर चलेगा तो वेरिएबल के नाम पर कौन है, केवल थीटा है, है ना। तो हम सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को एक टू डायमेंशनल मोशन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दो दो लोगों पर डिपेंडेंट है, आई और जे पर, और हम वेलोसिटी वेक्टर की अगर बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा आर, तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया मैंने तो क्या आ गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और ऐसे इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, सही है, करेक्ट है, ठीक बात है। क्या डी थीटा बाई डी टी दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, हेंस डी थीटा बाई डी टी को मैं दोनों में से कॉमन लेकर बाहर निकाल दूं तो जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ जो बचा है वो है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, ये है वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है और वो पोजीशन वेक्टर आर लिखा हुआ है। थोड़ा भी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखाई देगी, और वो ये कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर और पोजीशन, आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा जीरो। देखो ध्यान से कर दो जरा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या मैंने प्रूफ कर दिया है कि वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, क्या यहां से प्रूफ हो गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आर तो नॉर्मल के डायरेक्शन में है, तो क्या प्रूफ हो गया, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ये बात, वो बात जो मैं आपको बार बार बोलता था उसको मैंने अभी मैथमेटिकली प्रूफ भी
कर दिया है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ये मैंने प्रूफ कर दिया है इससे, ठीक है, समझ में आती है बात। तो वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ये करके मैंने इसको इस तरीके से प्रूफ कर दिया और आपके सामने इस तरीके से रखा है, ठीक है जी, समझ में आती है बात। तो वेलोसिटी मिल गया अपने को, पोजीशन वेक्टर मिल गया, ठीक है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो अपने को एक्सेलरेशन मिल जाएगा ऑब्वियसली, हेंस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो आई विल गेट द एक्सेलरेशन, जो भी उस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो भाई आर, आई कैप और जे कैप तो रहेंगे कांस्टेंट, डी थीटा बाई डी टी और ये थीटा, ये दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यूवी मेथड का इस्तेमाल करूंगा, यूवी मेथड समझते हैं, तो यूवी मेथड का इस्तेमाल करूंगा, हेंस यूवी का डेरिवेटिव होता है यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो R तो कांस्टेंट की तरह रहा, R तो कांस्टेंट की तरह रहा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहला टर्म क्या आएगा, R इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू, आर इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू और ये पूरी की पूरी चीज क्या, माइनस का साइन थीटा आई कैप, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा जे कैप। बोलो, एक तो ये टर्म मिलेगा, दूसरा टर्म क्या मिलेगा, R इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा का टाइम में डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ऐसे ही यहां कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। क्या डी थीटा बाई डी टी दोनों में से बाहर आ सकता है और एक डी थीटा बाई डी टी पहले से ही बाहर है, तो क्या डी थीटा बाई डी टी का हो जाएगा स्क्वायर। तो अगला जो टर्म आएगा ध्यान से देखना और अपने हाथ से करना तो आपको समझ में आएगा कि भैया डी थीटा बाई डी टी का तो हो गया स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी का हो गया स्क्वायर, यहाँ क्या बचा है माइनस कॉस थीटा आई कैप, यहाँ बचा है माइनस का कॉस थीटा आई कैप और यहाँ क्या बचा है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा जे कैप, माइनस का कॉस थीटा आई कैप, माइनस का साइन थीटा जे कैप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हैंस एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर कुछ इस तरीके से हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा जी, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो पोजिशन वैक्टर है आर, है ना, जो कि लिखा है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसमें इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या इसका मैग्नीट्यूड वन है, दैट मीन्स कॉस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप एक यूनिट वेक्टर है, कॉस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप एक यूनिट वेक्टर है, और किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, r के डायरेक्शन में, r का डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है, r का डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन है, है ना। हेंस नॉर्मल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूं ई एन कैप, ई एन कैप का क्या मतलब हो गया, ई एन कैप का मतलब हो गया एक यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन, हेंस ई एन कैप वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बोलो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ई एन कैप मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। तो मैं एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल के डायरेक्शन में, एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर डिफाइन कर दूं और उसको नाम दे दूं ई एन कैप, तो ई एन कैप इज बेसिकली कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और ई एन कैप को विजुलाइज करना चाहें आप तो ई एन कैप को आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, ई एन कैप कुछ इस तरह का यूनिट वेक्टर है, ये है ई एन कैप, ई एन कैप नॉर्मल के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, कहीं भी इमेजिन कर सकते हो इस लाइन पर कहीं भी, है ना, वन यूनिट का नॉर्मल के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो कि ई एन कैप है, ठीक। अच्छा जी, नॉर्मल डायरेक्शन से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है वो कहलाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो कि ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अपन ने पहले ही कह दिया वेलोसिटी टेंजेंशियल है। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को भी देखें आप, आर डी थीटा बाई डी टी इंटू ये सारी कहानी, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या ये भी एक यूनिट वेक्टर है, देखो ध्यान से, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल यूनिट वेक्टर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, है ना। हेंस ये जो लिखा हुआ वो ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो है आर डी थीटा बाई डी टी और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और हम जानते हैं वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। हेंस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर डिफाइन करते हैं ई टी कैप, एच सी वर्मा इन सिंबल्स का इस्तेमाल करता है इसलिए मैं भी इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ई एन कैप है नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और ई टी कैप है टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप, एंड ऑब्वियसली दोनों लोग आपस में 90 डिग्रीज पर, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दोनों लोग आपस में 90 डिग्री पर हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। क्या यहां तक हम बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई थी, इन इक्वेशंस को इनके टर्म्स में, दैट मींस नॉर्मल
के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अगर हम इक्वेशंस को लिखें तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी छोटी दिखाई देंगी और कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में आसानी होगी, बस उसमें ई एन कैप और ई टी कैप के टर्म्स आएंगे। अगर आप उनसे घबराएं नहीं तो ये तीन इक्वेशंस कौन कौन सी, पोजिशन वैक्टर की, वेलोसिटी वैक्टर की और एक्सेलरेशन वैक्टर की, ये जो तीन इक्वेशंस हैं इन तीन इक्वेशंस को हम ई एन कैप और ई टी कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, ई एन कैप और ई टी कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आर आर इनटू ई एन कैप, सिंपल हो गया बहुत। अच्छा भैया वेलोसिटी वेक्टर वी कैन बी रिटन एज वी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी आर इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई टी कैप, सिंपल हो गया। और ऐसे ही एक्सेलरेशन, जो टोटल एक्सेलरेशन है पार्टिकल पर, दैट टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कैन बी रिटन एज आर इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू आर इंटू डी टू थीटा बाय डी टी टू और माइनस साइन थीटा कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप क्या है, ई टी कैप, तो ई टी कैप। और दूसरा टर्म है आर इंटू डी थीटा बाई डी टी आर प्लस 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 आर इंटू डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप विच इज माइनस ई एन कैप, माइनस ई एन कैप। ये तीनों बातों को समझने में कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम छोटा करके इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आर का जो मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल आर है, और ऐसे ही वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं ना कि वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये सिखाया था। किसी भी वेक्टर को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, उसी फॉर्मेट में आर वेक्टर और वी वेक्टर उसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। यहां से हमने प्रूव कर दी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्पीड होगी दैट इज आर डी थीटा बाई डी टी, जो स्पीड है दैट इज आर डी थीटा बाई डी टी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज आर डी थीटा बाई डी टी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज आर डी थीटा बाय डी टी, ये प्रूव कर दिया मैंने। इतना ही नहीं मैंने एक चीज और समझ ली कि एक्सेलरेशन दो लोगों के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, है ना, एक्सेलरेशन दो लोगों के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। ये जो आर डी टू थीटा बाई डी टी टू है ये ई टी कैप की दिशा में है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और ये जो दूसरा वाला टर्म है आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर ये माइनस ई एन कैप, माइनस ई एन कैप मतलब टुवर्ड्स द सेंटर की दिशा में है। और चूंकि ई टी कैप वेक्टर और ई एन कैप वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, हेंस ये जो दोनों कंपोनेंट है एक्सेलरेशन, क्या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्या ये एक्सेलरेशन के जो दोनों कंपोनेंट हैं ये दोनों कंपोनेंट क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज बेसिकली सम टोटल ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्या इतना आपको पच रहा है, इतना आपको पच रहा है। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सम टोटल ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच अगर कोई एंगल है तो एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक नॉर्मल डायरेक्शन। वो बात कहां से आ गई है, वो बात यहां से आ गई है, ठीक है। तो क्या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, बोलो, क्या टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, हैंस जो टेंजेंशियल करेगा वो नॉर्मल नहीं करेगा, जो नॉर्मल करेगा वो टेंजेंशियल नहीं करेगा। और हम भली बात ही जानते हैं कि टेंजेंशियल क्या करता है, स्पीड चेंज करता है, और नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल डायरेक्शन चेंज करता है, नॉर्मल डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एनालिसिस मैं यहीं रोक रहा हूं, ये एनालिसिस टू डिमेंशनल सर्कुलर मोशन को कैसा लिया, मैंने टू डिमेंशनल मोशन लिया, सर्कुलर मोशन को टू डिमेंशनल मोशन लेते हुए ये मैंने एनालिसिस करी। ये एक जनरलाइज्ड तरीका है एनालिसिस करने का, दैट मींस अगर सर्कुलर मोशन ना होके कोई और भी चीज होती, पैराबोलिक मोशन होता है, कुछ भी होता, तो भी मेरी एनालिसिस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका यह मतलब हुआ कि सर्कुलर मोशन की जो खास बात थी, क्या थी वो खास बात, कि उसका रेडियस कॉन्स्टेंट है, उसका एक्चुअली मैंने कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल इस एनालिसिस में नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारे सिलेबस में जिसकी हम बात करते हैं, पर इससे बेहतर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो वैसे सिलेबस में नहीं है, पर सर्कुलर काइनेमेटिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं वाया कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पार्टिकल को लोकेट करते हैं वाया पैरामीटर्स विच आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और ये जो एंगल थीटा है ये. अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कर लें तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. ऐसे समझना, अगर मुझे पहले से पता है कि कितने रेडियस के सर्कल में पार्टिकल किस सेंस में घूम रहा है, ये मुझे अगर पहले से पता है और आप कहते हैं भाई टी किसी टी समय पर एक सेकंड पर पार्टिकल 30 डिग्री पर था तो क्या मैं फटाक से पार्टिकल को लोकेट कर लूंगा. फिर आप कहते हैं कि किसी और फलाने टाइम पर पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर था तो भी क्या आप पार्टिकल की लोकेशन को लोकेट कर लोगे. दैट मीन्स क्या आप पार्टिकल को एक सिंगल वेरिएबल की मदद से लोकेट कर लोगे और वो सिंगल वेरिएबल क्या है, एंगल. क्या पार्टिकल को एक सिंगल वेरिएबल की मदद से लोकेट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे और वो सिंगल वेरिएबल है एंगल. हेंस सर्कुलर मोशन को अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से देखा जाए, सर्कुलर मोशन को अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से देखा जाए तो उससे एक बड़ा गहरा फायदा होगा. क्या होगा वो फायदा, वो फायदा ये होगा कि सर्कुलर मोशन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से टू डिमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम देखते हैं तो वो वन डिमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो जाएगा. इसीलिए सर्कुलर मोशन में वन डिमेंशनल जैसी इक्वेशन बन जाती है. सुना होगा तुमने ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उसी तरफ ले जा रहा हूं आपको. सुना है कि नहीं सुना है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at जैसी इक्वेशन, ओमेगा t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, इस टाइप की इक्वेशन सर्कुलर मोशन में बन जाती है. कैसे बन जाती है भाई, हद हो गई, वो तो वन डिमेंशन की इक्वेशन थी, सर्कुलर मोशन तो टू डिमेंशन का एग्जांपल है. ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि अगर अगर पर्सपेक्टिव बदल लिया जाए तो सर्कुलर मोशन जो अभी टू डिमेंशन का एग्जांपल है वो वन डिमेंशन का एग्जांपल होगा. तो अब मैं आपको दोबारा सर्कुलर मोशन समझाऊंगा, बट अब वन डिमेंशनल की तरह. अभी मैंने समझाया था टू डिमेंशन की तरह, अब मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं सर्कुलर मोशन. फिर से दोबारा से सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, बट अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा और उसको वन डिमेंशनल मोशन के एग्जांपल की तरह देखेंगे, उससे बड़े फायदे होंगे. ठीक है, तो देखो, तो फिर वो रहा पार्टिकल और ये रहा सर्कल में घूम रहा है, ये रहा सर्कल का सेंटर है ना भाई, और हमारी जो एक्स और वाई एक्सिस थी उनको अगर आप दिखाना चाहो तो भैया ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस. पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड उसका नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पोलर कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्कुलर मोशन वन डायमेंशनल का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां है, इस लोकेशन पर है, और पार्टिकल की जो दूरी है वो तो आर है और कांस्टेंट है, तो क्या केवल एक ही वेरिएबल थीटा से आप पार्टिकल को लोकेट कर पाओगे, जैसा कि मैंने अभी समझाया, एक सिंगल वेरिएबल थीटा से आप पार्टिकल को लोकेट कर पाओगे. समझ रहे हो, एक सिंगल वेरिएबल थीटा से आप पार्टिकल को लोकेट कर पाओगे. हेंस पार्टिकल की लोकेशन, जैसे पहले अपन एक्स वाई जेड लिखते थे, ऐसी पार्टिकल की लोकेशन हम आर कॉमा थीटा लिख सकते हैं, है ना, हम पार्टिकल की लोकेशन आर कॉमा थीटा लिख सकते हैं. आर कहां से डिस्टेंस है, ओरिजिन से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा. अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वाला आर तो कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है, और चूंकि एक वेरिएबल हट गया तो फिर एक ही वेरिएबल बचा थीटा. ये मोशन कैसा हो जाएगा, वन डायमेंशनल, ये मोशन हो जाएगा वन डायमेंशनल. ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से सर्कुलर मोशन को देखने में सर्कुलर मोशन वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल बनेगा. ठीक है, करेक्ट है. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जब हम देखते हैं तो वो लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एक तरह से एंगुलर या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. वहां पर जो हमारे फंडामेंटल वेरिएबल होते हैं वो होते हैं डीएक्स डीवाई और डीजेड. यहां जो हमारे फंडामेंटल वेरिएबल हो सकते हैं वो हो सकते हैं डी आर और डी थीटा, जिसमें से डी आर तो जीरो ही है क्योंकि आर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, हेंस मेरा फंडामेंटल वेरिएबल जो बनेगा दैट इज डी थीटा. हेंस एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बिकम्स योर फंडामेंटल वेरिएबल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिर से सुन लो एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल मतलब बहुत छोटे समय में किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मेरा फंडामेंटल वेरिएबल बनेगा. और जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है कि लोगों को या आपको ये बात क्लैरिटी से ना पता हो, एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. कमाल की बात है कि एंगल थीटा स्केलर क्वांटिटी है, एंगल थीटा स्केलर क्वांटिटी है, बट स्मॉल चेंज इन एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
एंगल थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेरी स्मॉल चेंज इन एंगल, एलिमेंटल चेंज इन एंगल जिसको हम एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट फॉलोज वेक्टर लॉज। अगेन मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं या हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, हमने केवल ऑब्जर्व किया है। तो बड़े जो एंगल हैं 30 डिग्री 60 डिग्री ये तो स्केलर है, हमने आज तक जिंदगी में इनको स्केलर ही माना, हमने कब इनके डायरेक्शंस, हाँ हमने एंगल को हमेशा सेंस के साथ लिखा, वो एक अलग बात है कि भैया यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऊपर तो पॉजिटिव और यहाँ से नीचे तो नेगेटिव, वो एक अलग बात है, वो तो एक सेंस हो गया, मतलब वो तो एक तरह का कन्वेंशन हो गया है ना। बट हमने कभी भी एंगल को वेक्टर की तरह थोड़ी लिया है, बट और एंगल वेक्टर है भी नहीं, एंगल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल चेंज इन एंगल, वेरी स्मॉल चेंज इन एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉज। हमने उसको देख भी लिया, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, प्रूफ भी कर लिया है, उसमें कोई शक कोई गुंजाइश नहीं है। तो डी थीटा एक वेक्टर है, बट ये वेक्टर बाकी जो वेक्टर अब तक हम देख रहे थे जैसे पोजिशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इन सबको मैं बोलूंगा लीनियर वेक्टर्स। पोजिशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इनको मैं एक नाम और जोड़ दूंगा लीनियर, है ना। हैंस लीनियर वेलोसिटी थी जिसकी अब तक बात हो रही थी और लीनियर एक्सेलरेशन था अब तक जिसकी बात हो रही थी। लीनियर शब्द और जोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखा हो जैसे वेलोसिटी केवल हो तो मान लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो डी थीटा वेक्टर है ये एक नॉर्मल वेक्टर नहीं है जैसे बाकी वेक्टर्स थे, उस तरह का वेक्टर नहीं है, ये एक बड़ी स्पेशल कैटेगरी है वेक्टर्स की जिसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमेशा ही एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं, दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस। एक्सियल वेक्टर्स वुड ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, ऑलवेज अलोंग एक्सिस, है ना। तो ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स की कैटेगरी में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, आएंगे धीरे धीरे। उसका सबसे पहला मेंबर जिसको कह सकते हैं फोर फादर, जहां से सारा खेल शुरू हो रहा है, वो है डी थीटा। अच्छा, तो मैंने कहा कि एक्सिस की दिशा में, एक्सिस से मेरा क्या मतलब है, पार्टिकल अगर घूम रहा है ऐसे तो क्या बता सकते हो एक्सिस कौन सी है, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक्सिस कौन सी है, ये है एक्सिस, है ना, ये है एक्सिस, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल घूम रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, लेट अस इमेजिन पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, हैविंग सम वेलोसिटी वी, है ना, पार्टिकल घूम रहा है हैविंग सम वेलोसिटी वी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है भाई, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, ठीक है। और एक्सिस कौन सी हो गई, एक्सिस हो गई ये। और चूंकि एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, समझ में आती बात, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, उन दोनों में से कौन सा होगा, तो उसको हमने एक कन्वेंशन देके क्लियरिटी कर रखी है कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमा, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमा तो डी थीटा वेक्टर की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ पार्टिकल डी थीटा वेक्टर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ECW इज एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ पार्टिकल डी थीटा पॉइंट्स आउटवर्ड अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग और आउटवर्ड दिशा में पॉइंट करेगा, एक्सिस के अलोंग और आउटवर्ड दिशा में पॉइंट करेगा। जैसे मैग्नेटिज्म में हम दो सिंबल्स लेते हैं, पता होगा तुम्हें, ये सिंबल लेते हैं और ये सिंबल लेते हैं, इस सिंबल का क्या मतलब है, क्रॉस वाले का क्या मतलब है, क्रॉस वाले का मतलब है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, है ना। हैंसे डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाएगा इस एग्जांपल में, क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। वहीं अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चले तो डी थीटा वेक्टर का क्या दिशा होगी, अंदर की तरफ। आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चला तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है, और उसका सिंबल होगा ये होगा उसका सिंबल। चलो जी, समझ में आता है। तो अगर थीटा को फिर एक बेस वेरिएबल की तरह ले लिया
तो जैसे वेलोसिटी वी होती है डीएस बाई डी टी या डी आर बाई डी टी, ऐसे ही क्या यहां भी थीटा का टाइम में जो डेरिवेटिव होगा, थीटा का टाइम में जो डेरिवेटिव होगा, क्या वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, वो भी एक तरह की वेलोसिटी बनेगी? क्या हम उसको नाम दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी? क्या हम उसको नाम दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी? बिल्कुल नाम दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हेंस डी थीटा पहला पैरामीटर था, डी थीटा वेक्टर पहला पैरामीटर था, डी थीटा वेक्टर के बाद एक्सियल वेक्टर की हमारी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज बेसिकली डी थीटा बाय डी टी। ये है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है ये? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यूनिट्स की बात कर लें तो डी थीटा का क्या यूनिट होगा? डी थीटा का यूनिट होगा रेडियंस, डी थीटा का यूनिट होगा रेडियंस। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट जो होगा वो होगा रेडियंस, रेडियंस, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा भैया? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी, और इसका जो यूनिट होगा, ये यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, सही है, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा वेक्टर की दिशा के बारे में क्या कह सकते हैं? चूंकि ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी, टाइम तो स्केलर है, हेंस क्या ओमेगा का डायरेक्शन और डी थीटा का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। ये ऐसा हो गया जैसा, जैसे जैसे अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं, जैसे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, होगा कि नहीं? लीनियर वेलोसिटी इज डीएस बाई डीटी, तो क्या लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा? ठीक वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। इसका मतलब अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चला तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड है और एंगुलर वेलोसिटी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कन्वेंशन जो हमने डी थीटा के लिए लिखा था, क्या ये कन्वेंशन ओमेगा के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा? बोलो, सही बात है। तो क्या हम कह सकते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ पार्टिकल, फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ पार्टिकल डी थीटा वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर पॉइंट्स आउटवर्ड अलोंग एक्सेस? बोलो, क्या हम ये दोनों के लिए कह सकते हैं? ओमेगा वेक्टर एंड डी थीटा वेक्टर पॉइंट्स आउटवर्ड अलोंग एक्सेस, क्या ये बात हम ओमेगा के लिए भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं साहब, समझ में आती है बात। हेंस अगर कोई सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पंखा है मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किधर पॉइंट करेगा? बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, है ना। कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसका ओमेगा वेक्टर किधर पॉइंट करेगा? बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर वेलोसिटी होती थी ऐसे ही ये है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहां ये डेफिनेशन किसकी है? ये इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ऐसे ये भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। और जैसे यहां मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का मतलब ही इंस्टेंटेनियस होता है, ऐसे यहां भी एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ही इंस्टेंटेनियस होता है। फिर जैसे यहां हमने एवरेज वेलोसिटी करके कंसेप्ट और बनाया था, वी एवरेज क्या था वो फटाफट बोलो, वी एवरेज क्या था? तो वी एवरेज था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या ऐसे ही हम यहां पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज लिख सकते हैं? और ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कितना एंगल घूम गई बॉडी, कितना एंगल कितने समय में घूम गई, कितना चली कितने समय में और कितना एंगल घूम गई कितने समय में। तो एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वुड बी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज लीनियर वेलोसिटी टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आना चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में दो वेक्टर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं इसको विज़ावेस कंपेयर करते जा रहा हूं उधर। तो जैसा डी थीटा यहां है, एक कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं, एक कंपैरिजन फटाफट से कर लेते हैं बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, एंगुलर है ना, फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। तो लीनियर मोशन में फंडामेंटल वेरिएबल था डीएस और एंगुलर मोशन में फंडामेंटल वेरिएबल है डी थीटा, है ना। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी वी है डीएस बाय डीटी और उधर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है डी थीटा बाय डीटी। लीनियर वेरिएबल्स में लीनियर एक्सेलरेशन ए है डीवी बाय डीटी, लीनियर एक्सेलरेशन ए है डीवी बाय डीटी और ऐसे ही यहां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी। देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेरेबल है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीसरी चीज जो हमें समझनी है, पीछे दो चीजें तो हम समझ चुके थे, तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो तीसरी बात समझने की, 1 2 3 ध्यान से देखते जाना, 1 2 3। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बातें क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से जब आप इनको लिख लोगे समझ लोगे तो फिर आप क्वेश्चन में यूज कर पाओगे, नहीं तो आपको कभी भी वो क्लैरिटी आ ही नहीं पाएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा जिसका क्या नाम है, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। तो अल्फा की डेफिनेशन है, अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी, और अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होगी इसकी, बोलो फटाफट, यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो इसकी जो यूनिट होगी, जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा, अल्फा भी एक एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी एक एक्सियल वेक्टर है, सही है, अल्फा भी एक एक्सियल वेक्टर है, और अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा का डायरेक्शन बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कहीं भी हो सकता है। नाउ अब बहुत ध्यान से समझना, तो एक्सियल वेक्टर्स के डायरेक्शन चूंकि एक्सिस के अलोंग होंगे तो उनकी पॉसिबिलिटीज या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होंगी। उसमें से भी अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो r d थीटा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर तो प्री डिफाइन हो गए, किस किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। अल्फा बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, अब ध्यान से समझना, अगर अल्फा भी बाहर की तरफ हो गया ओमेगा भी बाहर की तरफ ही है तो क्या ऐसा अल्फा ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा? हेंस हम कहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन का केस है। और अगर ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो क्या अल्फा ओमेगा को घटाएगा? और हम कहेंगे एंगुलर डी एक्सेलरेशन का केस है, और बस दो ही केस हो सकते हैं। हेंस अल्फा और ओमेगा या तो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अल्फा और ओमेगा इफ आर इन द सेम डायरेक्शन, अल्फा ओमेगा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अल्फा एंड ओमेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, बस तीसरा कुछ भी नहीं है, इन अपोजिट डायरेक्शन, बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं सर्कुलर मोशन में, ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बस, है ना। तो अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो सेम डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएगा, ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ बढ़ेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड समय के साथ घटेगा, समय के साथ घटेगा, ओमेगा जीरो बनेगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा की वैल्यूज आएंगी। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने पत्थर को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी नीचे, हैंस इनिशियली क्या होगा, स्पीड कम होती जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर डायरेक्शन रिवर्स करेगा। ऐसे यहां भी हो सकता है, ऐसे ही यहां भी हो सकता है, ठीक है भाई, समझ में आती बात। तो ये परिस्थिति है, ये कहानी है। तो डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा, तो अल्फा जो कि डी ओमेगा बाई डी टी है, अल्फा जो कि डी ओमेगा बाई डी टी है, जैसे इस एक्सेलरेशन को जो डी वी बाई डी टी है, क्या मैं इसको डी टू एस बाई डी टी टू भी लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली, क्या मैं एक्सेलरेशन को डी टू एस बाई डी टी टू भी लिख सकता हूँ, डी एस बाई डी टी का डेरिवेटिव, बिल्कुल। ऐसे ही अल्फा को क्या मैं डी टू ओमेगा बाई डी टी टू भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हेंस डी टू ओमेगा बाई डी टी टू दैट डी टू सॉरी डी सॉरी सॉरी डी टू थीटा बाई डी टी टू सॉरी डी टू थीटा डी टू थीटा डी टू थीटा बाई डी टी टू को अल्फा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हेंस डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो वेक्टर रिलेशनशिप है, क्या इसी वेक्टर रिलेशनशिप से मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी टू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों चीजों को उठा लें अगर हम यहां से, जो हमने पोलर वेरिएबल्स में सीखा, इन दोनों चीजों को उठा लें, और फिर हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनालिसिस कर रहे थे, ये वाली टू डिमेंशनल मोशन वाली एनालिसिस यहां ले आए, तो आप देख रहे हैं कि यहां डी टू थीटा बाई डी टी टू का टर्म है और यहां डी थीटा बाई डी टी का टर्म है, सही है। हेंस डी टू थीटा बाई डी टी टू क्या है, अल्फा। हेंस क्या ए बराबर आर अल्फा ई टी कैप, ए
ए इज इक्वल टू आर अल्फा ई टी कैप प्लस प्लस कितना आर ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ई एन कैप लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, सही है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टेंजेंशियल नॉर्मल दो हैं, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? आर अल्फा। और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है माइनस ई एन कैप से, दिशा डायरेक्शन किधर हो गया? टुवर्ड्स दी सेंटर। हेंस ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है जिसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स दी सेंटर। और मैग्नीट्यूड कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर। हेंस क्या मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या उसको लिख सकता हूं? आर अल्फा मैग्नीट्यूड। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है क्या मैं उसको लिख सकता हूं? आर ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड। सही है करेक्ट है। इतना ही नहीं, चूंकि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है तो क्या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्या मैं उसको लिख सकता हूं? आर ओमेगा। वेलोसिटी वी या स्पीड वी का जो मैग्नीट्यूड है क्या मैं उसको लिख सकता हूं? आर ओमेगा। क्या ये तीन बातें अब हम कह सकते हैं? और यहां से अगर अपन ओमेगा की वैल्यू निकालें वी बाय आर और उठा के यहां रख दें तो क्या यही चीज लिखी जा सकती है वी स्क्वायर बाय आर? कि यही चीज लिखी जा सकती है वी स्क्वायर बाय आर। क्या इसी नॉर्मल एक्सेलरेशन को अपन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा ही किधर है? माइनस ई एन कैप की दिशा में है, दैट मींस टुवर्ड्स दी सेंटर है। हेंस क्या ही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी कहलाएगा? तो मैंने प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया मैंने? मैंने प्रूफ कर दिया है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर लिखा जा सकता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर लिखा जा सकता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा लिखा जाता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी होता है, ये हम पहले समझ चुके हैं। हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आर अल्फा है दैट इज फर्दर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से मेरा मतलब हो गया डीवी बाय डीटी। फिर बता रहा हूं ये सब बातें बार बार बताऊंगा मैं, है ना, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट इन हो जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा विच इज डीवी बाई डी टी विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। नॉर्मल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर विच इज नॉर्मल सेंट्रीपेटल वगैरह वगैरह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए हैं, आपको समझ में आया कि कैसे टू डायमेंशनल मोशन की तरह हम उसको एनालाइज करें तो ये सब खेल खेला जाएगा। हमको समझ में आया कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह अगर एनालाइज करें तो कैसा खेल खेला जाएगा। और हमको समझ में आया कि अगर हम इनका आपस में क्रिस क्रॉस कर दें, क्रॉस कंपेरिजन कर दें तो क्या कहानी बनेगी ये। अब इसमें एक आखिरी चीज़ और समझ लें, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। चूंकि पार्टिकल तो एक ही था ना यार, पार्टिकल तो एक ही था, उसी को तुमने कार्टेशियन से देखा, उसी को तुमने एंगुलर से देखा या पोलर से देखा, तो पार्टिकल तो एक ही है यार। तो जो भी तुमने पैरामीटर लिखे हैं क्या ये इंटरकनेक्टेड तो होने ही चाहिए? कम से कम इनके बीच इंटरकनेक्शंस तो होने ही चाहिए। तो रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डीएस और डी थीटा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध है। डीएस बेसिकली आर्क जैसा हुआ। डीएस क्या हुआ? कोई बॉडी सर्कल पर घूम रही थी ऐसे, तो डीएस बेसिकली है क्या? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ये, जो कि आर्क लेंथ जैसा है एक्चुअली, है ना। और डी थीटा क्या है? उसी दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही तो है ना डी थीटा। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये है डी थीटा, और ये भाई साहब हैं डीएस। तो क्या डीएस आर्क जैसे हैं और डी थीटा एंगल जैसा है, और रेडियस तो आर है ही, और हम जानते हैं एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या डी थीटा इज बेसिकली डीएस अपॉन आर, है ना? डी थीटा इज बेसिकली डीएस आर्क अपॉन रेडियस, या डीएस इज इक्वल टू आर डी थीटा, कैसा भी कह सकते हो, डीएस इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड का संबंध है, पर चूंकि डीएस आर और डी थीटा तीनों लोग वेक्टर्स हैं तो इनमें एक्चुअल रिलेशनशिप वेक्टर का होना चाहिए। सही बात है, इनमें एक्चुअल रिलेशनशिप किसका होना चाहिए? वेक्टर का होना चाहिए। तो वो जो रिलेशनशिप है, जो वेक्टर रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच, वो रिलेशनशिप मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना और आगे के लिए संभाल के रखना कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर।
इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डी एस इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना। डीएस का क्या डायरेक्शन है? डीएस का डायरेक्शन है ये। डी थीटा का क्या डायरेक्शन है? डी थीटा का डायरेक्शन है बाहर की तरफ। और आर का क्या डायरेक्शन है? आर का डायरेक्शन है ये। तो जरा करो डी थीटा क्रॉस आर करो। डी थीटा वैक्टर किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। और आर वैक्टर किधर पॉइंट कर रहा है? इधर। तो जरा डी थीटा क्रॉस आर करो, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। तो देखो आपका अंगूठा डी एस दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा। हैंस डी एस इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसा ही दूसरा जो संबंध है वो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। ठीक है, अच्छा ये तो वेक्टर रिलेशनशिप है और इधर मैं स्केलर रिलेशनशिप भी लिख दे रहा हूँ, इधर स्केलर रिलेशंस भी लिख दे रहा हूँ, स्केलर रिलेशंस। तो स्केलर रिलेशन है डीएस इज इक्वल टू, डीएस इज इक्वल टू आर डी थीटा। वो इसलिए हो गया क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, इसी का मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेंगे तो डी थीटा और आर के बीच एंगल कितना है? 90 का। हेंस क्या हम कह सकते हैं? डीएस बराबर आर डी थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे ही तुमने जरूर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हजार करोड़ बार तो कम से कम सुना ही होगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है वो भी एक्चुअल एक वेक्टर रिलेशनशिप का स्केलर रिजल्ट है। और वो जो एक्चुअल वेक्टर रिलेशनशिप है वो है लीनियर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। V is equal to omega cross R, जिसको हम V is equal to R omega बोल लेते हैं, वो एक्चुअली V is equal to omega cross R होता है। तो V is equal to omega cross R is the relationship between linear velocity and angular velocity. Linear velocity और angular velocity के बीच का जो relationship है वो relationship है ये। और तीसरी और आखिरी चीज है ये जो हमारा acceleration है और इधर जो angular acceleration है इसके बीच का relationship। तो हम जानते हैं कि tangential acceleration R alpha होता है। यहाँ पर एक difference है वो समझ लेना, टोटल एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है। हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर इज अल्फा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर इज अल्फा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर इज अल्फा क्रॉस आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी एज अ वेक्टर इज अल्फा क्रॉस आर। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है इन रिलेशनशिप्स की, पर स्टिल हमें आने चाहिए बहुत अच्छे से कि इन सब के बीच में क्या संबंध है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, वेक्टर अल्फा क्रॉस आर। चलिए जी, तो सारा खेल अब हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है और ये इनके इंटर रिलेशनशिप्स हैं। ठीक, तो ये भैया कहानी है, तो इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है। अब वापस अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ ही चलूं, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डी थीटा ओमेगा और अल्फा तीन लोगों की बात करी है ना। डी थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर, इन तीन लोगों की बात करी और मैंने आपको समझाया कि तीनों ही लोग कैसे हैं। ये तीनों ही लोग एक्सियल वेक्टर हैं। कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर हैं। और चूंकि तीनों ही भाई साहब एक्सियल वेक्टर हैं, तीनों ही लोग एक्सियल वेक्टर्स हैं, जिसमें से डी थीटा और ओमेगा तो हमेशा ही एक डायरेक्शन में होंगे, तो दो ही केस बन सकते हैं, डी थीटा ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में, डी थीटा ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डी एक्सेलरेशन के केसेस बनाएंगे। ठीक, अच्छा जी, जैसे एंड ऑब्वियसली वन डायमेंशनल मोशन, ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया क्या? अब वन डायमेंशनल मोशन जैसा हो गया, बिल्कुल वन डायमेंशनल मोशन जैसा हो गया है ना, वन डायमेंशनल मोशन जैसा हो गया। और वन डायमेंशनल मोशन में हमने पढ़ा था कि वन डायमेंशनल मोशन मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, ऐसे करके दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही सर्कुलर काइनेमेटिक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ऐसे करके दो क्लियर कट टुकड़े हो जाएंगे। तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अल्फा वेरिएबल है या कांस्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्चुअल लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन को देखते थे कि कांस्टेंट है या वेरिएबल, ऐसे ही सर्कुलर काइनेमेटिक्स में भी हमको देखना चाहिए कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट। क्यों? वो अभी समझ जाओगे तुम। तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स तो सारे पढ़ ही लिए आपने, सर्कुलर काइनेमेटिक्स के क्लियर कट दो हिस्से हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन के दो हिस्से थे। तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स के क्लियर कट दो हिस्से हो जाएंगे, अल्फा कांस्टेंट एंड अल्फा वेरिएबल। तो अल्फा बराबर कांस्टेंट मतलब कोई नंबर जैसे 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से, और अल्फा वेरिएबल है ना, अल्फा वेरिएबल,
अल्फा वेरिएबल। ठीक, तो दो हिस्से हो जाएंगे, अल्फा कांस्टेंट और अल्फा वेरिएबल। जो भी है हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो अल्फा और ओमेगा के बीच का जो रिलेशनशिप है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, वहां से हमारा खेल शुरू होगा, है ना भाई। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, वहां से खेल शुरू होगा। और अगर अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में है तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस का साइन आएगा। दैट मीन्स यहाँ भी हम कह सकते हैं, फर्दर यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ऐसे हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक्सेलरेटेड सिचुएशन है मतलब क्या, ओमेगा बढ़ रहा है। एक्सेलरेटेड सिचुएशन है मतलब ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, और डी एक्सेलरेटेड सिचुएशन है मतलब ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, है ना। तो अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा ऑब्वियसली वुड बी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, सही है, समझ रहे हो। और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा ऑब्वियसली वुड बी इक्वल टू माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी फॉर द केसेज वेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंड ए इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी फॉर द केसेज वेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, फॉर द केसेज वेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब हम डी टी को इधर ट्रांसफर कर दें, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, और अब हम करें दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो चूंकि अल्फा कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, है ना, अल्फा कॉन्स्टेंट है इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। एक फिजिकल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर मोशन, इस तरह का कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है और टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ कहीं है, है ना, ये टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन है, टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ है, और उस समय पार्टिकल के पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा नॉट, है ना, उस समय पार्टिकल के पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास वो है अल्फा, है ना। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, और हम जानना चाहते हैं कि जब पार्टिकल किसी टी टाइम पर, मान लेते हैं यहां आ गया, टी समय पर पार्टिकल यहां आ गया, तो उस समय पार्टिकल के पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको मैं नाम दे रहा हूं ओमेगा टी, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कर लिया होगा उसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा। तो मैं ओमेगा टी और थीटा जानना चाहता हूं, तो क्या मैं यहां लिमिट लगाऊं कहां से कहां, ओमेगा नॉट से ओमेगा टी, और टाइम में लिमिट लगाऊं जीरो से टी। देखो ध्यान से, तो इस तरफ तो आ जाएगा अल्फा टी, उस तरफ आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट, हेंस आपको वी बराबर यू प्लस ए टी वाली पहली इक्वेशन मिल गई, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली ही इक्वेशन आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल गई, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझ रहे हो? वहीं यहां अगर माइनस का साइन लेकर चलते तो क्या मिल जाता, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। हेंस हम वही कर लेंगे जो हमने वन डायमेंशनल मोशन में किया था कि एक्सेलरेशन को विथ साइन ले लेंगे, हेंस यहां भी हम अल्फा को विथ साइन ले लेंगे, हेंस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन, अल्फा को प्लस या माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्लब कर दूंगा, हेंस दो केसेस की बात ही नहीं करूंगा, दोनों को क्लब कर दूंगा, अल्फा को विद साइन ले लेंगे, और अल्फा का साइन ओमेगा पर निर्भर करेगा, ओमेगा के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव माना जाएगा, ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव माना जाएगा। ठीक, अच्छा जी, तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को क्लब कर दिया, और इन दोनों इक्वेशन से ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इक्वेशन बना ली, अल्फा इज नाउ विद साइन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, अल्फा इज नाउ विद साइन। ठीक है भाई, क्या ओमेगा टी को हम डी थीटा बाई डी टी लिख के डी टी को उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो इसको लिखा डी थीटा बाई डी टी, डी टी उधर लेगा और इंटीग्रेट कर दिया, तो पहला टर्म मिलेगा ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रल। तो देखो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी डी टी इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, टाइम कहाँ से कहाँ, टाइम जा रहा है जीरो से टी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है जीरो से थीटा। तो टाइम जा रहा है जीरो से टी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है जीरो से थीटा, टाइम जा रहा है जीरो से टी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है जीरो से थीटा। एंड हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गई, क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये मिल गई मुझे सेकेंड इक्वेशन काइनेमेटिक्स की, सेकेंड इक्वेशन है ना, सर्कुलर काइनेमेटिक्स की कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के केस की सेकेंड इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन को निकालने के लिए जैसे वहां हमने चेंज ऑफ वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, ऐसे ही क्या यहां भी हम चेंज ऑफ वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा जो कि डी ओमेगा बाई डी टी है इसको अगर हम डी थीटा से ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई, है ना, तो इस डी थीटा को इधर ले जाएं और डी टी को उधर ले जाएं,
तो क्या अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, जैसे उधर ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एस लिखा जा सकता है, ऐसे यहाँ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखा जा सकता है। हेंस अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लेकर अब मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो मुझे तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। समझ रहे हो भाई मेरी बात को? तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई, और इसको इधर उधर वेरिएबल खिसका के इंटीग्रेट कर दोगे अगर, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, जीरो से थीटा और ओमेगा नॉट से ओमेगा टी, इंटीग्रेट कर दिया, क्या मिल गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा। तीसरी क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा। समझे क्या मेरी बात को? तीसरी क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा। मतलब क्या? मतलब सर्कुलर काइनेमेटिक्स का कोई क्वेश्चन मिला, सबसे पहले हमने ये देखा अल्फा वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है, अगर अल्फा कॉन्स्टेंट है तो आ गया मजा, क्योंकि काइनेमेटिक्स की जो तीन इक्वेशन थी वो लग जाएंगी, ऑब्वियसली एंगुलर सेंस में लग जाएंगे, ठीक है, और उनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अच्छा जी, चलो ये तो समझ में आता है। मान लेते हैं कि अल्फा कांस्टेंट नहीं था तो हम क्या करेंगे? तो सिखाया था मैंने वहां पर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो केवल तीन केस हो सकते हैं, यहां भी केवल तीन ही केस हो सकते हैं, अगर अल्फा वेरिएबल है तो केवल तीन ही केसेस हो सकते हैं। क्या क्या है वो तीन केस? केस नंबर वन, अल्फा टाइम का फंक्शन हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो अब अल्फा को क्या लिखोगे? डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, तो अब अल्फा को लिखोगे क्या? डी ओमेगा बाई डी टी, और डी टी को उधर ट्रांसफर करके तो अल्फा को आप लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी, समझ रहे हो ना, वही स्टेप्स हैं। हेंस डी ओमेगा वुड बी इक्वल टू एफ टी डी टी, इंटीग्रेट कर दोगे, क्या मिल जाएगा इंटीग्रेट करने से? ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मीन्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा भैया, दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो हो सकती है कि अल्फा थीटा का फंक्शन हो, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो आप क्या करोगे? तो आप अल्फा को लिखोगे ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, तो आप लिखोगे ओमेगा डी ओमेगा बाय, अरे ओमेगा डी ओमेगा, एक मिनट, सारी दुनिया उजड़ गई हमारी, तो हाँ ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा ये लिखोगे, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखोगे, इधर उधर खिसका लोगे, हेंस ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ थीटा डी थीटा आएगा, इंटीग्रेट। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा मिलेगा। और तीसरी और आखिरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? वो है अगर अल्फा ओमेगा का फंक्शन हो जाए, अगर अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा तो आप क्या करोगे? तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अल्फा को लिखोगे डी ओमेगा बाय डी टी, और ऐसा करके इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और या आप अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे, आपको क्या मिलेगा? ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। जैसे मैंने एकदम क्लियर कट तरीके से माइंड मैप टाइप बनाया, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में अपनी जो आपकी क्लास नोट्स हैं उसमें बनाना है और बहुत अच्छे से समझ लेना है, सो दैट एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें पहले से ही एकदम क्लियर है कि हमें क्या करना है, बस हमें ये समझना है कि क्या चीज़ गिवन है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन या वेरिएबल है, वेरिएबल है तो कौन सा केस है, जो केस है फटाक से, जो भी केस है फटाक से उसको सॉल्व कर लेना है और उसको खेल खेल लेना है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये तो ये सारा जो इनपुट मैंने दिया है ये सब सर्कुलर काइनेमेटिक्स से संबंधित है। सर्कुलर काइनेमेटिक्स टफ एरिया है, इजी एरिया नहीं है, लाइटली नहीं लेना है, जो आज का लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार इसको देखना चाहिए, और जो मैंने बेसिक डेरिवेशंस करे हैं ये जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक ये आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेक्टर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो बहुत ध्यान से बहुत समझ के साथ आपको इसको लेना है, नहीं तो ये दिमाग से स्लिप हो जाएगा, और अगर ये स्लिप हो गया तो आप मान कर चलें कि रोटेशन चैप्टर पूरा उड़ जाएगा आपका, क्योंकि रोटेशन पूरा इसी पर बेस्ड है ना, रोटेशन की सारी कहानी इसी पर बेस्ड है, बल्कि ये नींव है आप ऐसा समझो, और रोटेशन टफ होने का कारण ये होता है कि सर्कुलर मोशन क्लियर नहीं है, तो रोटेशन तो क्या फिर घंटा ही क्लियर होगा, है ना, सर्कुलर मोशन क्लियर नहीं है वो पाप फिर उधर जाके फूटता है,
बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत इसको अच्छे से समय देकर अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ ले चल रहा हूँ, और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सीधे ही आपको उनकी तरफ ले चल रहा हूँ, क्योंकि दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, इधर और उधर। इधर वाले जो क्वेश्चन हैं वो काफी ईजी हैं, वो वैसे ही हो गए जैसे हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, और इधर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के होंगे जिसमें कैलकुलस इन्वॉल्व होगी, है ना। तो माइंड मैप तो हमारा क्लियर है, तो मैं आपको इस तरफ कुछ क्वेश्चन सर्कुलर काइनेमेटिक्स के एज एन एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये सभी जो भी मैं एग्जाम्पल लूंगा ये सभी इरोडोव के क्वेश्चन है, एंड दे आर सपोज टू बी द टफ मोस्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर काइनेमेटिक्स, ठीक है। पर हम देखते हैं जरा कि हमने जो सीखा है उससे हम किस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर हमारी अपनी जो समझ है उसको अच्छा करते हैं। और तो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन 1.37 इरोडोव, और मैं मीर वाला जो बुक है मीर पब्लिकेशन मॉस्को उसको रेफर कर रहा हूँ। वैसे आपके पास कोई भी किताब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर तो क्वेश्चंस का वही है। तो आपके पास जो भी बुक होगी उसमें जो पहला चैप्टर होगा उसमें जो 37th क्वेश्चन है उसकी बात हो रही है। 1.37 मतलब फर्स्ट यूनिट का 37th क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है वो सर्किल के अलोंग चल रहा है जिसका रेडियस है आर। तो पॉइंट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो पॉइंट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो किसी भी टी समय पर पार्टिकल अगर यहां है तो उसकी जो स्पीड है जो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी वो स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 80। किसी t टाइम पर स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 80, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है फाइंड टोटल एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल हैज कवर्ड nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल। फाइंड यहां नहीं लिखते हैं, जगह ही नहीं बचेगी फिर काम करने को, उधर लिखते हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है भैया वो ये पूछ रहा है फाइंड टोटल एक्सेलरेशन, फाइंड टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली व्हेन पार्टिकल कवर्स nth फ्रैक्शन, n इज लेस देन 1, पार्टिकल कवर्स nth फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। तो जैसे ही सर्कुलर मोशन दिखे आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन मैं स्पीड कांस्टेंट है वेरिएबल, क्लियरली स्पीड वेरिएबल है तो इसमें ऑब्वियसली दोनों तरह के एक्सेलरेशन होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि जब nth फ्रैक्शन कवर किया तो पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से शुरू किया तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 मोमेंट था, और जब nth फ्रैक्शन कवर किया तो वो यहाँ आ गया। मेरी बात ध्यान से समझना, चूंकि उसने सर्किल का nth फ्रैक्शन कवर किया है यहाँ पर t बराबर 0 पर था और यहाँ पर किसी t समय पर आ गया है, इतने समय में उसने nth फ्रैक्शन कवर किया है तो ये जो एंगल कवर किया होगा ये कितना होगा बता सकते हो क्या? ये जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये जो उसने एंगल चल लिया होगा ये कितना एंगल चला होगा? पूरा सर्किल चलता तो कितना एंगल चलता? 2π। और अभी nth फ्रैक्शन n इज लेस देन 1 जैसे 1/3 1/5 1/7 तो ये कितना एंगल चला होगा? ये एंगल चला होगा 2πn nth फ्रैक्शन, है ना। एंड दिस इज द nth फ्रैक्शन, nth फ्रैक्शन। हमें करना क्या है, हमें तो टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, और हम जानते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन जो है दैट इज टेंजेंशियल और नॉर्मल से मिलकर बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, यही तो करना है हमें। अच्छा जी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt, हेंस dv/dt इज a, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है और कांस्टेंट है, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है भाई। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v² बाय r, है ना, और v क्या है? 80, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v² बाय r, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया a² t² बाय r। तो क्या अपने को टी जो टाइम है जो समय है वो निकालना है बस, है ना। दैट मीन्स हमें टाइम निकालना है nth फ्रैक्शन को कवर करने में कितना समय लगेगा, nth फ्रैक्शन को कवर करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा होता है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू r अल्फा। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसा हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। सोच के बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसा हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। और चूंकि अल्फा कांस्टेंट हो गया तो क्या हम इसमें अपनी इक्वेशंस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। टी बराबर 0 पर स्पीड क्या रही होगी पार्टिकल की? वी क्या रहा होगा? 0। और अगर वी 0 रहा होगा तो उस समय ओमेगा क्या रहा होगा? 0, क्योंकि वी और ओमेगा में तो हमेशा वी बराबर आर ओमेगा का रिलेशनशिप है। बोलो,
वी बराबर आर ओमेगा का रिलेशनशिप है हमेशा, हेंस टी बराबर जीरो पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको अपन ओमेगा नॉट बोलते हैं वो क्या रही होगी, वो जीरो रही होगी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो है ना। और अल्फा हम ए बाय आर लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज ए बाय आर, और हमें वो समय निकालना है जितने समय में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू पाई एन का हो जाए। क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर की इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूं, थीटा कितना है 2 पाई एन, 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी है 0 प्लस हाफ इंटू अल्फा विच इज ए बाय आर, हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है भाइयों, समझ में आती है बात, ठीक है ऐसा है। हेंस टी स्क्वायर की वैल्यू पकड़ते हैं कितनी आई, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई एन इंटू आर डिवाइडेड बाय ए, है ना। यहां से मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4 पाई एन आर इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एन आर डिवाइडेड बाय ए, ये है टी स्क्वायर की वैल्यू। इसको उठा के मैं यहां रखने वाला हूं, तो देखो ये क्या बन जाएगा फिर, ए स्क्वायर बाय आर इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 पाई एन आर बाय ए, 4 पाई एन आर बाय ए, ए से ए कटा और एक आर से एक आर कटा, क्या बचा 4 पाई एन ए, ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ए था ही और नॉर्मल एक्सेलरेशन है 4 पाई एन ए, हैंस टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर मतलब 4 पाई एन ए का होल स्क्वायर, 4 पाई एन ए का होल स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर को अपन कॉमन ले सकते हैं बाहर, हैंस हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, ए तो ले लिया बाहर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 पाई एन का स्क्वायर, ये आंसर है। अब बताइए क्या ये मुश्किल है, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें तो बेचारे ने एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट दे दिया, ये किस एंगल से मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, है ना, एकदम आसान है। दो ये सर्कुलर काइनेमेटिक्स के टफ क्वेश्चंस में से एक है, पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ये आपको बिल्कुल कतई मुश्किल नहीं लगना चाहिए, है ना, इजी लगना चाहिए, समझ में आ रहा है। अच्छा जी ऐसा है, और देखो अगला क्वेश्चन देखो 1.38 देखो क्या कहता है, कहता है कि अ पॉइंट मूव्स विद डी एक्सेलरेशन सच दैट एट एनी मोमेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो एक पार्टिकल है जो सर्कल पर चल रहा है, रेडियस आर है सर्कल का, ठीक है, अ पॉइंट मूव्स ऑन अ सर्कल विद डी एक्सेलरेशन सच दैट एट एनी मोमेंट क्वेश्चन बोल रहा है एट एनी मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये बोल रहा है क्वेश्चन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन, मतलब क्या हुआ, जैसे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहाँ है ना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल के पास उस समय कोई वेलोसिटी है वी, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर होगा ए एन, जिसकी वैल्यू क्या होगी वी स्क्वायर बाय आर, है ना, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं, हेंस मैं इक्वेशन लिखूंगा, चूंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस क्या हम लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, सोचो, और ए टी की वैल्यू ए एन के बराबर है और ए एन भाई साहब वी स्क्वायर बाय आर है, हेंस क्या इक्वेशन बनी वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। अब वेरिएबल को इधर उधर खिसका लेते हैं, तो डी टी बाय आर इज इक्वल टू माइनस वी की पावर माइनस टू डी वी, डी टी बाय आर इज माइनस ऑफ वी की पावर माइनस टू इंटू डी वी, क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी भाई, ठीक है, पूछा क्या था उसने, अच्छा जी उसने बोला कि अच्छा और जो जानकारी दी है वो ये दी है कि टी बराबर जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, इसके अलावा बताता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है,
स्पीड इज ऑल्सो जीरो। अब आपसे पूछ रहा है कि टी किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, फिर टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी बताओ एंड टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जो पूछा है वो ये पूछा है, लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड किसी टी समय पर वेलोसिटी एक चीज, दूसरी चीज बताओ किसी एस जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल एक्सेलरेशन ए टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड एंड टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये चार चीजें पूछी है। ठीक है, ये चार चीजें पार्टिकल ने पूछी है, क्या क्वेश्चन ने पूछी है, और हमारे पास जो करने को है वो ये है। तो आ जाते हैं यहाँ से, जरा आगे प्रोसीड करते हैं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ, इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो डी एक्सेलरेशन कैसे हुआ जब टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, तो नहीं नहीं टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी वी नॉट है, वही तो कहूँ टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी वी नॉट है ना, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर टी इज इक्वल टू जीरो पर ही वेलोसिटी जीरो होती तो डी एक्सेलरेट कैसे करता, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी वी नॉट है, मैंने गलत रीड कर लिया। ठीक, तो ऐसा है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक और इधर वी नॉट से लेकर किसी वी समय तक, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। तो देखो जरा इंटीग्रल क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे मिला टी बाय आर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या मिला, v की पावर माइनस टू डी वी का इंटीग्रल, तो v की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, मतलब v की पावर माइनस वन मतलब वन बाई वी, और अंदर का माइनस और बाहर के माइनस को उड़ा देते हैं तो वन बाई वी आया, उस पर रख देते हैं लिमिट, तो क्या आ गया, वन बाई वी माइनस वन बाई वी नॉट, वन बाई वी माइनस वन बाय वी नॉट, यही तो आएगा। अपने को v चाहिए, v नॉट भाई साहब को इधर खिसका लेते हैं, तो इधर आ गया, हैंस वन बाई वी इज इक्वल टू टी बाय आर प्लस वन बाय वी नॉट, हैंस v का वैल्यू क्या आ गया, जो हमारा पहला आंसर है v का वैल्यू आ गया आर वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट टी प्लस आर, है ना, तो v इज इक्वल टू आर वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या, वी नॉट टी प्लस आर डिवाइडेड बाय वी नॉट टी प्लस आर। अब हम चाहें तो r से डिवाइड कर, देखने में सुंदर लगेगा, r से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय वन प्लस वी नॉट बाय आर इंटू टी, देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा है, ये आंसर है, देखें चेक करें आंसर, हाँ भाई यही आंसर है, v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वन प्लस वी नॉट आर इंटू टी। ठीक है, ये कहानी बनी, तो ये हो गया क्या, ये हो गया वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज पहला आंसर, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा आंसर चाहिए उसको, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए क्या करें बताओ, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए क्या करें, अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था डी वी बाई डी टी, क्या मैं इसको वी डी वी बाई डी एस भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हैंस वी डी वी बाई डी एस लिख लूँ तो ये इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू माइनस वी डी वी बाई डी एस, अगले पन्ने पर कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू माइनस वी डी वी बाई डी एस, कर सकते हैं ना ऐसा भी, ऐसा कर लेते हैं, तो एक वी उड़ गया, डी एस उधर चला गया, हैंस डी एस बाय आर इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई वी इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, जीरो से एस और वी नॉट से वी, इंटीग्रेट कर दिया, इधर आ गया एस बाय आर इज इक्वल टू, उधर माइनस का साइन बार रहा, लॉग वी बाई वी नॉट, तो माइनस का एल एन वी बाय वी नॉट। ठीक है, माइनस को इधर पटक देते हैं उठा के, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस एस बाय आर आंसर आया, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर ऑफ माइनस एस बाय आर, समझ रहे हो, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस एस बाय आर, ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो उसने हमसे दूसरी चीज पूछी थी, तो हमने इसका जवाब दे दिया, इसका जवाब दे दिया। ठीक है, फिर क्या चाहता है, फिर चाहता है टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, टोटल एक्सेलरेशन भाई टेंजेंशियल और नॉर्मल के स्क्वायर से निकलेगा, तो टोटल एक्सेलरेशन 80 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर, ऐसे ही तो है, और टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही है, क्वेश्चन कह रहा है,
है ना भाई, तो दोनों में से किसी भी एक को ले लो, जैसे नॉर्मल को ही ले लो, सो इट वुड बी लाइक रूट टू टाइम्स ऑफ ए एन, आर यू विद मी, या रूट टू टाइम्स ऑफ ए टी, जैसा चाहो, ठीक है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन इज लाइक वी स्क्वायर बाय आर, हेंस एक्स टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ओरल है, टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर, सोच के देखो, रूट टू टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर, है ना, हेंस टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तीसरा जो चीज है, टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर, ये है तीसरी चीज, पर जवाब नहीं दे पाएगा बच्चा, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड ही नहीं दे पाए तो थर्ड का क्या जवाब देगा, दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आखिरी में क्या चाहिए उसको, टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले ही निकाल चुके हैं, क्या इसको उठा के वहां पर रख दें, हेंस टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू रूट टू बाय आर वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो वी नॉट का स्क्वायर और e की पावर माइनस टू एस बाय आर, वी नॉट का स्क्वायर e की पावर ऑफ माइनस टू एस बाय आर, ये हो गया हमारा चौथा आंसर, ये हो गया हमारा चौथा आंसर, क्रॉस चेक कर लें, तो रूट टू वी स्क्वायर बाय आर और रूट टू वी नॉट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ये सारी फफूंदी बातें बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, समझ रहे हो कहानी, इस तरह की चीज़ें सर्कुलर काइनेमेटिक्स में बन जाती हैं, पूछी जाती हैं, और आपको वेल वर्स होना होगा इन सब का जवाब देने में, तो थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो बस मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, अगली क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन भी लूँगा सर्कुलर काइनेमेटिक्स पर, कुछ और क्वेश्चन भी लूँगा, और फिर उसके बाद हम रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से सर्कुलर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन और लूँगा एरोडोफ के, ठीक है जी, और फिर आसान क्वेश्चन थोड़े मेन्स टाइप के क्वेश्चन पर भी बात कर लेंगे, थोड़े बहुत 8-10 एग्जाम्पल वो ले लेंगे, और फिर हम रिलेटिव मोशन की कहानी को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, थैंक यू वेरी